press the bell icon on YouTube app, and never miss another update. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं आपके लिए कुछ डॉग्स की ट्रीटमेंट। काफ़ी टाइम से डॉग का नहीं डाला था कुछ भी, तो सोचा आज डॉग का डाल लें। बस थोड़ा देखना पड़ेगा, मेरा मुंह ना चाटे बस ये, क्योंकि ये खतरनाक कुत्ता है घर का, ये मुँह बहुत चाटता है ना भाई, सही बात है ना। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी कुत्ते का अगर कान बह रहा हो और आपको लगता है कान में से पानी आ रहा है उसके, तो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस करने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। बस बेटा, बस हो गया, कोई पसंद कर लेगा, कर ले जाएगा आपको, समझे। तो इसमें आज क्या करना चाहिए स्टार्टिंग से बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले मेडिसिन की पिक डाल देता हूँ आपको सभी की, और उसके बाद फिर चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर, किस किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, किस किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके डॉग का कान बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो पहले आपको चेक करना है उसके कान को कि उसके कान में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। अगर कान में आपको दिख रहा है कि पानी, सिर्फ पानी ही आ रहा है, तो एक तो उसके सिम्टम्स होते हैं, फोटो डाल देता हूँ आपको, इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं उसके, और कान में गंदगी हो जाती है बहुत सारी। और हो सकता है कभी कभी क्या होता है, काफ़ी टाइम तक हम नहलाते नहीं अपने डॉग को, उसका केयर नहीं करते, तो उस कारण से भी हो जाता है ये। और करना क्या आपने उसमें, पहले तो आपको ये आती है बॉटल ओटी क्लियर लाना है अपना वेटनरी स्टोर से। ओटी क्लियर लाके उसके कान की सफाई करनी है पहले पूरी, 5 से 10 ड्रॉप डालनी है। जैसे कि ये कुत्ता है ये ना, इसे कान उठा करके इस तरीके से इसमें ड्रॉप्स डालनी है आपको, ट्रेनिंग डालना कुछ बैठा है। तो ड्रॉप डालने के बाद में आपने ड्रॉप डाल दें, डालने के बाद में कोई कॉटन ले लें, कॉटन के ऊपर किसी स्टिक को लगा करके, ताकि कॉटन मतलब कि स्टिक उसके कान में ना लगे, और बहुत ही प्यार से उसके कान की आपको पूरी सफाई करनी है। ठीक है, सफाई कर दी। और एक चीज़ देख लें पहले, अगर उसके अंदर अगर आपको लगता है कि चोट लगी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और अगर चोट नहीं है सिर्फ पानी आ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वैक्स जो होता है वो पानी बन के बाहर आता है, तो उसमें क्या है कि आप पहले तो उसका कान साफ़ कर लें। कान साफ करने के बाद में उसमें ओटी क्लियर डाल दें, और साथ ही साथ में जो आपके पास बेस्ट ईयर ड्रॉप आपके घर में अगर कोई पड़ी हो तो अच्छी बात है, या फिर 2 ईयर ड्रॉप की मैं आपको फोटो डाल देता हूँ, उनमें से जो भी आपको मिल जाए वो आप वो डाल दें। उसके अलावा एक दूसरा इलाज और भी होता है, जैसे मतलब अगर आपको लगता है आपको ओटी क्लियर कहीं नहीं मिल रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ओटी क्लियर की जगह पे विनेगर आता है एक बॉटल ले लें, उस पर 50% तो विनेगर डाल दें, आधा छोटी बॉटल ले लें, आधा विनेगर और आधा पानी डाल दें उसके अंदर। डालने के बाद में पहले चेक कर लें चोट तो नहीं है उसकी कान के अंदर, अगर चोट ना हो तो उसका कान खोल के इसी तरीके से जैसे आपने कान खोला उसमें विनेगर डाल के हल्का की मालिश करें, ताकि पानी अंदर तक चले जाए, विनेगर है अंदर तक चले जाए वो। और उसके बाद में आप फिर थोड़ा सा साफ करके, साफ सफाई करके, और उसमें एयर ड्रॉप डाल दें। ठीक है, और अगर आपको चोट लग रही है, लग रहा है अगर चोट है उसके अंदर, तो ये बॉटल आती है, ये आप मेडिकल स्टोर से ले आएँ, इससे ये चीज़ डालें तो तुरंत उसकी चोट भी ठीक हो जाएगी। बेटा मुँह नहीं चाटना, पीछे मर लो, उधर आके हट, उधर देख ले, उधर तो देख, थोड़ा उधर तो देखते हैं, उधर नहीं देखना, वो मुंह चाटना है मेरा बस, चल पागल, सारे कुत्ता ही पागल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ये मेरा पागल कुत्ता ये कैसा लगा आपको, शायद लाइक तू ले लियो आज। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, ध्यान रखें अपने पेट्स का, मिलते हैं फिर।